तो चलिए आज की ये उल्टी पुल्टी रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं। आप देख सकते हैं आपने वड़ा पाव तो सुना ही होगा, पर मम्मी आज ये उल्टा क्यों रख रखा है हमने? क्योंकि आज हम उल्टा वड़ा पाव बना रहे हैं, आज हम इसलिए हमने उल्टा ही रखा है। देखिए उल्टा वड़ा पाव बना रहे हैं आपके लिए ये जबरदस्त रेसिपी। आओ मम्मी से सीखे, मैं आज श्वेता को मम्मी सिखा रही है। श्वेता आपने पहले कभी देखा है उल्टा वड़ा पाव? नहीं, आई एम लर्निंग फ्रॉम मम्मी टुडे। हाँ तो देखिए आज मम्मी से लर्न करेंगे श्वेता उल्टा वड़ा पाव। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मम्मी अब क्या करना है? ये सबसे पहले बॉइल्ड आलू है, ये दो बॉइल्ड आलू है तो हमने अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली बारीक चॉप कर लिया है, ओके, जिंजर ग्रेट कर लिया है या पेस्ट डाल लीजिए कुछ भी, ओके, हरा धनिया पत्ता। अब इसमें स्पाइसी डाल लेंगे, नमक स्वाद अनुसार, ओके, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, ओके, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हींग। आप अपने अकॉर्डिंग मसाले कम ज्यादा कर सकते हैं जैसा भी खाते हैं, तो इसको मिक्स कर लेंगे। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। देखिए मम्मी और श्वेता आज आपको दिखाने के लिए उल्टा वड़ा पाव की रेसिपी। बहुत टेस्टी होता है ये स्नैक। आंटी रेडी हो गया? बिल्कुल रेडी हो गया। इसको अलग में रख देते हैं। अब हम ये बेसन दिया है, एक बॉल चिक्की फ्लावर बेसन है वो ले रहे हैं। इसमें मसाले डालेंगे, ओके, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा रेड चिली पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर और हींग, ओके, पानी से थोड़ा इसको मिक्स करके गोल बना लेंगे। नई नई रेसिपीज मम्मी के संग आप देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए। और ये देखिए आंटी आप देखना हाँ कितना पानी है और डालो। हाँ अच्छे से इसको आप बीट कर लीजिए, विदाउट लम्स, लम्स नहीं रहे बस। बिल्कुल, अगर देखिए कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी बराबर ठीक है। अब देखिए अब इसमें हम मेन ट्विस्ट आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने तेल भी गर्म कर दिया है। अभी आंटी आप बताएंगे क्या करना है? ये पाव है जो अपन आते वड़ा पाव में काम में लेते हैं वही पाव है, इसको उल्टा कर लीजिए। अब इसमें से श्वेता हाँ मैं बताती हूँ। तो ये देखिए अब इसमें से हम उल्टी साइड से अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। इसको हम निकाल लेंगे अभी। ये निकल गया पीस। अब इसमें थोड़ा सा हम अंदर स्टफिंग के लिए थोड़ा सा और अंदर से इसका ये चूरा निकाल देंगे थोड़ा सा, ताकि स्टफिंग अपनी अंदर अच्छे से आ जाए। ओके वाह आंटी। अब इसमें स्टफिंग क्या करेंगे? इसमें आलू की स्टफिंग सबसे पहले अंदर थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। बस चीज क्यूब रखिए। तो देखिए नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज आप स्किप भी कर सकते हैं, हमने डाल दिया थोड़ा सा, अच्छा रिच टेस्ट हो जाएगा। अब फिर आलू की फिलिंग करिए इसमें। अगर अच्छा लग रहा है और मन कर रहा है खाने का तो लाइक कैप है बोला, लाइक शेयर जरूर करिए। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बराबर और बस कैप लगा दीजिए बस इसको। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा रेडी हो चुका है। अब इसकी ये बेसन की अपन ने ये स्लरी बना रखी है, इसमें हम डिप करेंगे इसको। ये पूरा कवर कर लिया, इसको कोटिंग कर लिया इसकी। एक बार हम आपको श्वेता और मम्मी भी यहाँ पे दिखा दें। तो मम्मी श्वेता को सिखा रही है, देखिए श्वेता कितने इंटरेस्ट से देख रही है। सच अ नाइस न्यू रेसिपी। ये देखिए इसमें ये डाल दिया मैंने। मम्मी हम तो आपको दिखाना चाह रहे हैं और आप रेसिपी में लगे हुए हो रहे हैं, ये तो क्या बात हुई मम्मी? मम्मी थोड़ी तो हेल्प करनी पड़ेगी। आप रेसिपी में लगे हुए हो मम्मी और श्वेता, बिल्कुल उनका वेट ही नहीं हो रहा कि हमारा लंच यहाँ पे खा ले। ऐसे थोड़ा थोड़ा हाँ ऊपर डाल दो, ऊपर भी अच्छे से सिकाई हो जाएगी इसकी। थोड़ा थोड़ा ऑयल क्यों हम ऊपर डालते हैं मम्मी यहाँ पे? से भी ताकि कुक हो जाएगा अच्छे से। अच्छा गरम ऑयल है ना, धीरे से पलट दो श्वेता। यस यस मम्मी। और कौन सी फ्लेम पे सेकना है? मीडियम फ्लेम पर कर रहे हैं। तो मीडियम फ्लेम पे हम यहाँ पे करेंगे बस, मतलब मीडियम पे इतना ही कुक करिए कि डार्क ब्राउन कलर नहीं हो इसका, नहीं तो बेसन में थोड़ा कड़वापन आ जाता है ज्यादा कुक करने। अच्छा और करना है थोड़ा सा डालो ऑयल। और ये देखिए अब हमारा ये बन चुका है और ये उल्टा वड़ा पाव। अभी देखिए इसको सर्व करने की भी स्टाइल होती है श्वेता को। तो अब ये है कि इंटरेस्ट की खाएंगे कैसे, अब हम ये देखते हैं। वहाँ पे तैयारी मम्मी ने कर रखी है कि जिस तरह से देखो। वाओ
तो ये देखिए अब उल्टा वड़ा पाव आपके लिए रेडी हो चुका है। अगर मन कर रहा है खाने का तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और प्रेजेंटेशन देखिए, हरी चटनी, तली हुई मिर्ची और प्याज के संग रेडी है। यस, श्वेता का लंच। आंटी, बोथ ऑफ यू आर लुकिंग सुपर्ब विद वंडरफुल स्माइल। और ये देखिए उल्टा वड़ा पाव, चीजी उल्टा वड़ा पाव आपके लिए रेडी है। और ये देखिए, आप खाने का मन करे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जायका का तड़का में फिर से मिलेंगे। मम्मी और श्वेता को थैंक्स बोलना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोबारा। थैंक यू, बाय बाय।